बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ इकनॉमिक्स विद साद करीम। इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ओनर, ट्रेड इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। डोमेस्टिक ट्रेड इज़ द एक्सचेंज ऑफ डोमेस्टिक गुड्स विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये, इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इम्पोर्ट्स देखते हैं हम, द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्राम अब्रॉड दैट लीड्स टू एन आउटफ्लो ऑफ करेंसी फ्राम द होम कंट्री। इट इंक्लूड्स हॉलीडेज अब्रॉड, फॉरिन एंटरटेनर्स इन्वाइटेड, प्रॉफिट्स टेकन होम बाई फॉरिन ओन्ड कंट्रीज। ठीक है, और इसमें वो गुड्स भी आ जाएंगी जो कि आपकी इम्पोर्ट्स कर रहे होते हैं, चाहे हम कार्स इम्पोर्ट कर रहे हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, सेलफोन्स हैं, ठीक है, टेबलेट्स हैं, कॉस्मेटिक्स हैं, चॉकलेट्स हैं, तो जितनी भी गुड्स हैं, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपकी गुड्स भी आ जाती हैं और सर्विसेज भी आ जाती हैं। एक्सपोर्ट द सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, गुड्स भी सर्विसेज भी टू बाय फ्रॉम अदर कंट्रीज लीडिंग टू एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी टू द कंट्री। तो जो भी चीज़ हम एक्सपोर्ट्स कर रहे होते हैं तो वो हमारी क्या होती हैं, एक्सपोर्ट्स में अकाउंट होती हैं। इसमें टूरिज्म भी, इंश्योरेंस कंपनीज भी, एंटरटेनर्स एंड फॉर ओवरसीज स्टोर्स, जैसे आतिफ असलम कॉन्सर्ट करने जाएगा और आएगा, जो पैसे लेकर आएगा वो भी एक्सपोर्ट्स में आ जाता है। फिर हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में जितने बाहर से लोग विजिट करेंगे तो वो भी आपके एक्सपोर्ट्स में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि मलेशिया में इतने लोग नहीं रहते, जितने उससे ज़्यादा जो है वो बाहर से ट्रेवल करके आते हैं, टू रीजंस की वजह से। एक तो आपका एजुकेशन है और दूसरा जो है टूरिज़्म है। इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सपोर्ट्स टू एन इकॉनमी, इंक्रीज एडी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ाना है। ठीक है, दूसरा है पॉजिटिव मल्टीप्लायर इफेक्ट है, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मल्टीप्लायर इफेक्ट किस तरह होता है, एक इंडस्ट्री की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज एक्टिव हो जाती हैं। ठीक है, तो मैनी टाइम्स जो है उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। बूस्ट नेशनल इनकम, ठीक है, नेशनल इनकम आपकी बढ़ेगी और जाहिर है कि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो उससे आउटपुट बढ़ेगी, जो आपकी C+I+G+X-M, और क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी तो उससे क्या होगा कि आउटपुट बढ़ेगी, एज ए कंसिक्वेंस ऑफ द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होगा और GDP भी इंक्रीज होगा। इनफ्लो ऑफ मनी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, इनफ्लो ऑफ मनी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में जाहिर है कि जब एक्सपोर्ट्स होती हैं फॉरेन रिजर्व आएगा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में इनफ्लो होगा और हमारी नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, क्योंकि X-M, एक्स इंडिकेट करता है एक्सपोर्ट्स, एम इन इकोनॉमिक्स इम्पोर्ट्स का, तो जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी, इम्पोर्ट्स आएंगे तो पॉजिटिव अमाउंट हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट और इन टर्म्स ऑफ फॉरेन रिजर्व हमारे इंक्रीज होंगे। हायर चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ते जाएंगे, चाहे वो गुड्स में हो या फिर ये कि हमारी जो टूरिज्म जो है वो बढ़ेगी, तो उससे क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, और जब ऑर्डर्स आएंगे तो फिर जाहिर है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इसका मतलब है कि वेजेस और सैलरीज बढ़ेंगे, जिसकी वजह से यहाँ के जो सिटीजन्स हैं पाकिस्तान के, उनका लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फ्लोज ऑफ मनी बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ दैट कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इट इज़ इन सरप्लस इफ द इनफ्लो ऑफ मनी थ्रू एक्सपोर्ट्स इज मोर देन द आउटफ्लो ऑफ मनी थ्रू इम्पोर्ट्स। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो रॉ में है, प्राइमरी भी कंसिस्ट करती हैं, बहुत कम है जो सेकेंडरी पे हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी डू इम्पोर्ट्स, चाहे वो हम मशीनरी हो, प्लांट हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, गाड़ियाँ हो, तो एज ए कंसिक्वेंस और ऑफ दैट हमारा जो है उस 99% जो है वो अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट रहा है, और 70-75 ईयर्स में, और देखा जाए तो विच इज़ नॉट रियली हेल्दी फॉर द इकॉनमी। बैलेंस ऑफ ट्रेड, द डिफरेंस बिटवीन द मॉनिटरी वैल्यूज ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स इन एन इकॉनमी ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इज ऑल्सो नोन एज नेट एक्सपोर्ट, जस्ट लाइक हमने भी डिस्कस किया। द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स इज ऑल्सो नोन एज द BOT और विजिबल बैलेंस। ठीक है जी, तो अगर हम देखें डिफरेंस देखें वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स का फिजिकल गुड्स का, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी ये कि जो सर्विसेज हैं, चाहे वो टूरिज्म हो या IT सर्विसेज हो या कॉन्सर्ट्स हो, यहाँ से जा रहे हों तो सर्विसेज हैं, और जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चॉकलेट्स हैं, सेलफोन्स हैं, तो वो
विजिबल आइटम में देख सकते हैं, उनको हाथ लगा सकते हैं, टेंजिबल है तो वो विजिबल बैलेंस है। विजिबल बैलेंस माइनस इनविजिबल बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड। विजिबल ट्रेड बैलेंस ट्रेड ऑफ गुड्स दैट कैन बी टच सीन एंड वेटेड एक्स माइनस एम ऑफ गुड्स अ ट्रेड सरप्लस अकर्स व्हेन एक्सपोर्ट्स ऑफ फिजिकल गुड्स एक्सीड द इम्पोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स। A trade deficit occurs when exports of physical goods is less than the imports of physical goods. Causes of physical visible trade deficit. AD increases more than aggregate supply. ठीक है, तो ये trade deficit बता रहे हैं, जाहिर है कि aggregate demand बढ़ जाएगी, aggregate supply कम होगी तो orders पूरे नहीं हो रहे, demand पूरी नहीं हो रही, तो deficit आएगा। फिर क्या होगा, ये जब लोगों को goods नहीं मिल रही होंगी locally तो बाहर से import करेंगे तो balance out हो जाएगा। हाई इनकम लीड्स टू हाई डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स। और अगर ऑन द अदर साइड अगर हम देखें तो दूसरा, स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज रेट लीडिंग टू डिमांड फॉर चीप इम्पोर्ट्स एज कम्पेयर टू डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स। स्लो ग्रोथ ऑफ इकॉनमी, लो रेट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, लो आउटपुट पर वर्कर, लेस इनोवेशन रिसर्च एंड डिवेलपमेंट, और फिर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो इनविजिबल ट्रेड है, इस कंसिस्ट ऑफ सर्विसेज इंटरेस्ट प्रॉफिट्स डिविडेंड्स आईपीटीज कहलाता है। आई फॉर इंटरेस्ट, पी फॉर प्रॉफिट्स, डी फॉर डिविडेंड्स, ट्रांसफर पेमेंट्स, गिफ्ट्स एंड ग्रांट्स। फिर इनविजिबल एक्सपोर्ट्स में रिजल्ट इन रेजिडेंट्स रिसीविंग फॉरेन करेंसी, जैसे मैंने बताया कि हमारे यहाँ पे लोग जाते हैं मिडिल ईस्ट में काम करते हैं या जो है यूरोप में काम करते हैं, फिर वो रेमिटेंसेस भेजते हैं टू देयर लव वन बैक होम, तो वो भी इनविजिबल एक्सपोर्ट्स में आते हैं। इनविजिबल एक्सपोर्ट्स रिजल्ट इन द रेजिडेंट्स मेकिंग पेमेंट टू फॉरेन करेंसी। इनविजिबल ट्रेड सरप्लस अकर्स व्हेन एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आईपीटीज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स एक्सीड्स द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आईपीटीज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। इनविजिबल ट्रेड डेफिसिट अकर्स व्हेन एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आईपीटीज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स इज लेस देन द इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आईपीटीज एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। टीओटी, ये जरा ध्यान से देखना है इसको। The rate at which one country's goods are exchanged against those of other countries measured as an index of ratio of exports prices to import of price. ये उल्टा होगा। अभी हम देखते हुए आए थे, हम बात करते आए थे कि भाई exports जो है अगर ज़्यादा हों import से तो favorable balance of trade। यहाँ पे उल्टा होगा, यानी यहाँ पे अगर export prices कम होंगी, prices की बात हो रही है, फिर मैं बोल रहा हूँ ठीक है, क्योंकि अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे तो इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइसेस, तो प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो हमारे लिए नुकसानदेह एज कम्पेयर टू द इंपोर्ट प्राइस। सिंपली स्पीकिंग, हमारी इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस ज़्यादा होगी तो हमारा जो कस्टमर है वो कंपेटिटर के पास, इंडिया या चाइना के पास चला जाएगा, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट के हमारा वॉल्यूम जो है वो कम हो जाएगा। एक दो आइटम पे तो जाहिर है कि हमारी प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएगा, लेकिन हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। फेवरेबल मूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ ट्रेड इज व्हेन अ कंट्री इज एबल टू बाय मोर इंपोर्ट्स विद द सेम नंबर ऑफ एक्सपोर्ट्स, सच एज व्हेन एक्सपोर्ट राइजेस फास्टर देन इंपोर्ट प्राइसेस, एक्सपोर्ट प्राइसेस फॉलिंग स्लोअर देन इंपोर्ट प्राइसेस, एक्सपोर्ट प्राइसेस रिमेनिंग स्टेबल व्हाइल इंपोर्ट प्राइस फॉल्स, इंपोर्ट प्राइस रिमेनिंग स्टेबल व्हाइल एक्सपोर्ट प्राइस राइज। डिफरेंट सिनेरियोज हैं जिसमें बताया है कि फेवरेबल मूवमेंट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसेस डिवाइड बाय इंडेक्स ऑफ इंपोर्ट प्राइस इनटू 100। ये किसका फार्मूला है, ये टर्म्स ऑफ ट्रेड का, इसको टीओटी भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, टर्म्स ऑफ ट्रेड। टर्म्स ऑफ ट्रेड इज ऑलवेज इन फेवर ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलप्ड कंट्रीज बिकॉज देयर इज अ जनरल टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड्स एंड डिक्रीज इन दोज ऑफ प्राइमरी गुड्स। जाहिर है कि हम जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उसकी प्राइसेस तो नेग्लिजिबल होती हैं, लेकिन देखें तो गाड़ियों की, प्लांट्स की, मशीनरी की, इलेक्ट्रॉनिक्स की प्राइस बढ़ी हुई है, तो ज़्यादातर वेस्ट को ही फायदा हो रहा है। अ कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड इज डिटरमिंड बाय मूवमेंट इन इट्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट प्राइसेस डिपेंडिंग ऑन डिमांड एंड सप्लाई। सिमिलैरिटीज बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड, बायर वॉन्ट चीप प्राइसेस, सेलर वॉन्ट हायर प्राइसेस, अंडरस्टूड है। स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Transactions may be concerned with goods or services. उसके बाद free trade policies where a government does not discriminate against imports or interfere with exports by applying tariffs to imports or subsidies to exports. तो ये free trade है।
और फ्री ट्रेड की एग्जांपल जो है हमारे पास यूरोपियन यूनियन है, जहाँ पे कोई कोटा नहीं होता, कोई टैक्सेस नहीं होते, कोई बैरियर्स नहीं होते, कोई बाउंड्रीज नहीं होती, ऐसे जैसे सिटीज़ में कर रहे हैं। तो अभी इंटरनेशनल ट्रेड जब हम बात कर रहे हो तो इसका मतलब वहाँ बाउंड्रीज हैं, वहाँ टैरिफ्स हैं, वहाँ कोटाज हैं, वहाँ एक्सचेंज रेट है, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें हैं, देर आर नो टैक्सेस और अदर ट्रेड बैरियर्स, फ्री एक्सेस टू मार्केट्स एंड मार्केट इन्फॉर्मेशन। जैसे हमारा सी पैक्ट का हो रहा है, तो उसमें जो है वो के जो 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 कंट्रीज पार्ट ऑफ द सी पैक्ट होंगी, तो उसमें क्या है कि ट्रेड बैरियर्स रिमूव कर दिए जाएंगे, ताकि जो है वो जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको फ़ायदा हो। इन एबिलिटी ऑफ फर्म टू डिस्टोर्ट मार्केट्स थ्रू गवर्नमेंट डिपोज मोनोपोली और ओलिगोपोली पावर, यानी जाहिर है कि फिर वो जो है जो इनएबिलिटी ऑफ फर्म्स टू डिस्टोर्ट मार्केट पावर थ्रू गवर्नमेंट इम्पोज मोनोपोली एंड ओलिगोपोली फॉर्म। तो जाहिर है जब वो फ्री ट्रेड होगी तो ना कोई मोनोपोली होगी ना फिर ओलिगोपोली। ओलिगोपोली किसे कहते हैं, जहाँ पे फ्यू फॉर्म्स हो, चार या पांच फॉर्म्स हो। फ्री मूवमेंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन बिटवीन कंट्रीज, जाहिर है कि हम देखेंगे वो 25 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन में, जो कि वो है कि एक दूसरी आराम से जो है वो मूव कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड, एडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड देखते हैं। पहले हम देखते हैं एडवांटेजेस, मेरिट्स, बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड, और फिर हम देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्री ट्रेड। पहला एडवांटेज है एक्सेस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सेकेंड, एक्सेस टू मच बेटर क्वालिटी और चीपर गुड्स। एक्सेस टू बिगर मार्केट्स, अपॉर्चुनिटी फॉर एक्सपेंशन, मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फिर इकनॉमीज ऑफ स्केल, प्राइसेस में भी रिड्यूस, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंक्रीज इकनॉमिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ, एंड पॉवर्टी साइकिल। तो ये आपके एडवांटेजेस हो गए। ऑन द अदर साइड अगर डिसएडवांटेजेस को देखा जाए, चेंजिंग इंटरनेशनल कंडीशन हैं, कॉम्पिटिशन फ्रॉम फर्म्स अब्रॉड कैन रिड्यूस डिमांड फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू हाई कॉम्पिटिशन, फर्म्स एंड इंडस्ट्रीज बींग फोर्स टू शट डाउन ड्यू टू कॉम्पिटिशन, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन इकॉनमी, वेस्ट ऑफ स्किल ऑफ दोज मेड अनएम्प्लॉयड, डेंजर ऑफ ओवर स्पेशलाइजेशन है, एंड कंट्री में बिकम मोर एफिशियंट इन दैट इंडस्ट्री, टेक्निकल प्रोग्रेस में डेवलप हाईली कम्पेटिटिव सब्सटीट्यूट्स, इमोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच रिजल्ट्स इन दैम गोइंग टू वेस्ट। तो ये आपके डिसएडवांटेजेस हो गए। इंटरनेशनल ट्रेड के और फैक्टर्स देखते हैं कि हायर कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स है, ऑब्स्टिकल टू द मूवमेंट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन है। ये ऑपोजिट है फ्री ट्रेड का, इंटरनेशनल ट्रेड। जाहिर है कि हायर कॉस्ट होगी ट्रांसपोर्टेशन की एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, फिर इतनी आसानी से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे वो लैंड हो, लेबर हो, परमिट चाहिए होते हैं, आप इतने आराम से मूव नहीं कर सकते। लेबर है, का मशीनरी है, ड्यूटीज पे करनी होती है। इनएबिलिटी टू नो मार्केट कंडीशन इन अ फॉरन कंट्री, दिस वन ऑफ द रीजन ज्वाइंट वेंचर किया जाता है, यू डोंट नो कि उधर की मार्केट कंडीशन क्या हैं, डिफरेंसेज ऑफ करेंसीज, कल्चरल डिफरेंसेज होते हैं, रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज, टैक्सेस एंड ड्यूटीज होती हैं जी। रीज़न फॉर इंटरनेशनल ट्रेड एंड स्पेशलाइजेशन में अगर हम देखें, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फिर उसके बाद देखें तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर स्किल्स एंड कैपिटल, सम कंट्रीज आर मोर एफिशिएंट इन द प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स देन अदर्स, कंट्रीज कैन इम्पोर्ट द गुड्स विच दे कैन नॉट प्रोड्यूस, वाइडर रेंज ऑफ गुड्स कैन बी यूज विदाउट हैविंग टू प्रोड्यूस देम, लेबर आउटपुट्स लोअर कॉस्ट है। बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड अगर हम देखें, ध्यान रखना है कि ऊपर हमने बेनिफिट्स ऑफ फ्री ट्रेड देखे थे, ठीक है। तो बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल और कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, बेनिफिट्स एडवांटेजेस, कॉस्ट मतलब डिसएडवांटेजेस। मॉनेटरी गेंस है, बेटर वैरायटी ऑफ गुड्स अवेलेबल है, कंपटीशन है, और कंपटीशन हमेशा हेल्दी होता है, जिसकी वजह से जो है वो एफिशिएंसी बढ़ती है, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है, क्लोजर टाइज बिटवीन नेशंस, मोर एक्सचेंज ऑफ टेक्निकल नो हाउ होती है, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स होता है, इंक्रीज इन लोकल एम्प्लॉयमेंट, सरप्लस कैन बी इजीली सोल्ड, एड्स टू द मनी रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड,
ठीक है जी। और कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में देखें तो लोकल प्रोडक्शन में सफ़र एट द हैंड्स ऑफ इंटरनेशनल कंपेटिटर्स, रिच कंट्रीज में इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल मैटर एंड गेन कंट्रोल ओवर वीकर नेशंस। और इसमें देखें तो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रिगार्डिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो ये आपके क्या चीज़ें, ये आपके कॉस्ट हैं, डिसएडवांटेज हैं, डीमेरिट्स हैं। स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड अब हम बात करते हैं, फैक्टर्स इन डोमेन एंड द क्वालिटीज इन एंड क्वान्टिटीज ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट मेक्स अ कंट्री मोर एफिशिएंट एट डूइंग और प्रोड्यूसिंग सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज। इट मेक्स नेशनल स्पेशलाइजेशन पॉसिबल, चाहे वो लोकल बिजनेसेस की बात हो, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन की, स्पेशलाइजेशन का हमेशा बिजनेस में फ़ायदा हुआ है। कंट्रीज़ को वही करना चाहिए जैसे पाकिस्तान कॉटन में है कि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे। ठीक है, तो ये जो आपके फिर से देख लेते हैं इन फैक्टर्स को जिसमें आपकी बात हो रही थी कि स्पेशलाइजेशन का हमेशा फ़ायदा होता है, जो कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं स्पेशली कंप्राइज ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल, सर्जिकल गुड्स हैं या स्पोर्ट्स गुड्स हैं, तो जिस चीज़ में जो कंट्री स्पेशलाइज होती है तो वो उसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो प्रोडक्शन कर सकती है, जिसका एडवांटेज होता है उसको, और इन रिटर्न जो है वो फिर क्या है कि दूसरी गुड्स मंगवा सकती है जिसमें वो स्पेशलाइज नहीं हो। मिडिल ईस्ट में अगर हम देखें स्पेशली सऊदी अरेबिया, वो पेट्रोल में स्पेशलाइज है और एज अ कंसिक्वेंस ऑफ दैट उसको क्या फ़ायदा है कि वो जो है पेट्रोल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स करके पूरी दुनिया के प्रोडक्ट्स बड़े आराम से मंगवा सकता है। यहाँ कुछ टर्म्स हैं बड़ा ध्यान से देखना है। एब्सोल्यूट एडवांटेज व्हेन वन कंट्री कैन प्रोड्यूस विद फ्यूअर रिसोर्सेज देन अदर, प्रोड्यूस मोर ऑफ अ गुड्स विद सेम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, सेम अमाउंट ऑफ अ गुड विद फ्यूअर रिसोर्सेज। कंपेरेटिव एडवांटेज इज वैन वन कंट्री कैन प्रोड्यूस गुड्स एट अ लोअर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन अदर। तो यहाँ पे फ्यूअर रिसोर्सेज क्या होता है, एब्सोल्यूट एडवांटेज, और अगर हम देखें तो आपकी कंपेरेटिव एडवांटेज क्या होता है कि जिसमें आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो कम हो एज कम्पेयर टू द अदर वन। तो कंट्री के अगेंस्ट बाय द स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच इट हैज़ अ कंपेरेटिव एडवांटेज इन, इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन इज अप्लाइड ऑन अ वर्ल्ड वाइड स्केल ड्यू टू देयर डेफिनेट एंड कंपेरेटिव एडवांटेज ओवर अदर कंट्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज। वेइंग बोथ द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, अ कंट्री शुड इंक्रीज सेल्फ सब्सिस्टेंस डिवर्सिफिकेशन इन प्रोडक्शन। आज के हम ये देख लेते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, and then we can continue in the next class. Problem with comparative advantage, international specialization, loss of efficiency, vulnerability, threats of structural changes, risk of over specialization, threat of foreign competition dependent to economic changes. ये आपके जो है problems हैं, और advantages से अगर देखें comparative advantage के तो जिसमें कई greater efficiency, economies of scale, increase in skills है, कंज्यूमर बेनिफिट्स, लोअर प्राइसेस, वाइडर मार्केट्स है। इंशाल्लाह इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे सेम टॉपिक। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।